हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल टॉक अबाउट प्लांट किंगडम चैप्टर थर्ड क्लास 11। यू आर वेलकम ऑनलाइन क्लासेस SBPS। टुडेस टॉपिक इज टेरिडोफाइट्स। अभी तक हमने एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, जो प्लांट्स में वेरिएशन आ रहे हैं, जो चेंजेस आते जा रहे हैं, तो उससे जो प्लांट्स की स्पीशीज है वो भी तो बढ़ती जा रही। तो फर्स्ट था एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के कुछ करेक्टर्स तो कल हमने पढ़ लिए थे। क्या पढ़ा था कि ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं। कैसे टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं? ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो सॉइल पे लाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। कौन कौन से वास्कुलर टिश्यूज? जाइलम एंड फ्लोएम, तो मैंने कल ही आपको बता दिया था। एंड लास्ट में क्या पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है, तो वहां पे जो उसकी स्टेज होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, बट टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज। ये भी कल क्लियर कर लिया था। और ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? कूल, डैम्प एंड शेडेड एरियाज में, ठीक है। अब ये किस किस को इंक्लूड रखते हैं? दे इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड फर्न्स, ठीक है। एंड इनके रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। स्मॉलर, ये टू टाइप से होते हैं, एक स्मॉलर होता है, एक लार्जर होता है। तो स्मॉलर का एग्जाम्पल है सोलो गिनेला एंड इसका फर्न, क्लियर। तो इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल्स। ये स्मॉलर होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफाइल्स एंड इसके अंदर होते हैं मैक्रोफाइल्स। क्लियर। टेरिडोफाइट्स में क्या था? एक स्मॉलर होता है, एक लार्जर होता है, ये टू टाइप्स से डिवाइड होते हैं। तो स्मॉलर का एग्जांपल है सोलोगिनेला, मतलब टू टाइप्स के होते हैं टेरिडोफाइट्स। तो इनके अंदर माइक्रोफिल्स होता है, लार्जर होता है, फॉर्म्स जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफिल्स, ठीक है। अब ये टू टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक तो ये होमोस्पोरस होते हैं एंड सेकेंड इज हिट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस और होमोस्पोरस एंड हिट्रोस्पोरस में क्या डिफरेंस है? होमोस्पोरम मतलब जब वो सेम टाइप ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करे, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन करे, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगी। होमो मतलब सेम होता है, हिट्रो मतलब डिफरेंट होता है। तो जब वो सेम टाइप यानी कि सिमिलर स्पर्म्स स्पोर्स सेम स्पोर्स फॉर्म करे, ठीक है। एंड हिट्रो में क्या होता है? डिफरेंट यानी कि टू काइंड ऑफ, यहाँ ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन होगी, यहाँ टू काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होगी, क्लियर। तो अब जब टू टाइप से होगी, ठीक है, तो जब टू टाइप से होगी हिट्रोस्पोरस, तो फिर मेल और फीमेल होगी। मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो वही होते हैं जो हमने लास्ट में पढ़े थे, क्या? एंथ्रिगोनियम, जो कि ब्रायोफाइट्स में होते हैं ना। ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रिगोनियम एंड आर्किगोनियम एंड रिलीज भी वही करते हैं। जो इसके गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मतलब हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। गैमेट से सीधा समझ में आता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो एंथ्रिगोनियम, आर्किगोनियम, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड ये रिलीज भी वही करेंगे जो ब्रायोफाइट्स कर रहे थे, वही इनके गैमेट्स होंगे। एंथ्रिगोनियम का क्या था? एंथ्रीजॉइट्स एंड आर्किगोनियम का क्या था? एग, ठीक है। तो दोनों की ये भी क्लियर हो गए। एंड इसको माइक्रोस्पोर स्पोर नाम देंगे, इसको मेगा स्पोर, ठीक है। तो अब एंड आफ्टर गैमेट फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट की फर्टिलाइजेशन होगी, तो वहां से मतलब सेम कंडीशन वही जो ब्रायोफाइट्स में चल रही थी, ठीक है। तो पेरेंट बॉडी पर ही जो नया नई जो स्पीशीज फॉर्म होगी, यानी कि नया जो फीटस टाइप, मतलब नया जो ऑर्गेनिज्म आएगा, वो अपनी पेरेंट बॉडी पर ही आएगा। तो सेम कंडीशन ब्रायोफाइट्स में थी, क्लियर। अब बात करते जो स्पोर्स से फॉर्मेशन हो रही थी, तो स्पोर्स गिव राइज टू स्मॉल जरूर देता बट मल्टी सेलुलर, मतलब वो मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकॉन्सिस्पिशियस,
इन कॉन्स्पिशियस फ्री लिविंग एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड जहां जहां पर ये कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं दिस कंडीशंस तो उसको हम बोलते हैं प्रेटोलस। क्लियर? इन कंडीशंस को हम बोलते हैं प्रेटोलस। कौन सी कंडीशन को? कि स्पोर एक स्मॉल यानी कि छोटा सा एक नया ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ईयर ऑर्गेनिज्म स्मॉल बट मल्टी सेलुलर होगा, इनकॉन्स्पिशियस होगा, फ्री लिविंग होगा एंड वो गैमेटोफाइटिक स्टेज पर होगा। तो जब ये कंडीशंस होंगी तब उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे प्रोटेलस। क्लियर? तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये हो गया आपका टेरिडोफाइट्स। क्लियर?